बुरा बात मत करियो, मैं बता रहा तुम भेजो मैं बना दूंगा। नहीं नहीं चार्ज नहीं है क्या? चौकी पूरी चल रही है, ड्राम रखे भरे, इनमें पानी मत पहले। खाली है ये, खाली तब भी प्लास्टिक तो है ये, किनारे से लग रहे। हेलो यही मकान, यही दुकान है नीचे ऊपर। ज्यादा मत पड़े यार, अबे अंदर पहले मान ले। अरे भैया आराम से, हेलमेट ला, हेलमेट। नहीं पहले आप तो तेल का काम करते थे, साथ में परचून की दुकान भी चला रहे थे, परचून का भी सामान होगा, तेल का परचून का सामान का। लगभग कितना सामान नुकसान हो रहा होगा आपका? 10 से 15 लाख रुपए। 10 से 15 लाख रुपए। लोग ये पता नहीं कि आप लोग काम कर रहे थे, बाहर काम करते हैं, आग कैसे लगी ये नहीं पता हो पाया? आग पता ही नहीं लगी कैसे लगी, पता ही नहीं लग पाया। शॉर्ट सर्किट हुआ कि आग उससे माचिस से लगी, पता ही नहीं हुआ क्या हुआ। घर में सभी लोग सुरक्षित हैं? क्यों, आपका घर और दुकान एक ही है? एक छोटा बच्चा है, वो थोड़ा उसके मतलब वो हो गई, झुलस गया। वैसे हम क्या कह रहे हैं, आपका सब सुरक्षित है? फायर ब्रिगेड से बोल रहा हूँ विनोद। हाँ फायरमैन, आप सुरक्षित हो? नहीं, हम सब लोग सुरक्षित हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। केवल सर, जो आग लगी थी उस पर क्या मामला सामने निकल गया, कैसे आग लगी और लगभग कितना नुकसान अभी तक प्रथम दृष्टा में आपने पाया जांच में? देखिए, ये हरिकृष्ण ट्रेडर्स करके हैं। जी जी, संजय श्रीवास्तव और विजय श्रीवास्तव। जी जी, विपिन श्रीवास्तव दोनों भाई हैं और इनके पिताजी की फर्म है ये। ऊपर इनका गोडाउन है, जहाँ तक अभी निकल के आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। अभी बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी आगे आपको। वैसे सर आग पे काबू पा लिया गया? सर आग पे पूरा काबू पा लिया गया, किसी को कोई जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत अपना काम किया है और बाकी मौके पे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग देख के आपको फाइनल रिपोर्ट बता दी जाएगी। थैंक यू सर।